हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस रिंग पर शाइनिंग इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक क्लिप्स है, इसे डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लेयर को प्री कंपोज करेंगे। यहाँ पर हम नेम चेंज कर देंगे। फर्स्ट लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर लेवल सर्च करेंगे, सेलेक्ट एंड फर्स्ट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। एंड यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट साइड में ड्रैग करेंगे, जो पिंक कलर में आपको सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट दिखाई देगा। अगेन इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर यूज एंड सैचुरेशन टाइप करेंगे एंड ड्रैग करके फर्स्ट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। एंड यहाँ पर मास्टर सैचुरेशन को -100 कर देंगे, जिससे कि हमारा ये पिंक पार्ट वाइट हो जाएगा। Now you can see this. अगेन लेवल में जाकर इसे थोड़ा और ब्राइट करूँगा। अब हम मेन लेयर पर जाएंगे। सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, मेन। Now अभी हम फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे स्क्रीन। Now अभी आप देख सकते हो, आपको इतना डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अब हम अगेन इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर डायरेक्शनल ब्लर टाइप करेंगे एंड उसे ड्रैग करके फर्स्ट लेयर के ऊपर ड्रॉप करेंगे। डायरेक्शन चेंज करेंगे और ब्लर लेंथ इंक्रीज कर देंगे लाइक दिस। अगेन इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर लेवल सर्च करेंगे एंड फर्स्ट लेयर के ऊपर ड्रॉप करेंगे एंड इस पॉइंट को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे, ये हमारा ग्लो ऐड हो जाएगा। नाउ फर्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करेंगे एंड उसका नाम चेंज कर देंगे। नेम चेंज करने के बाद फर्स्ट लेयर के ऊपर जाकर इसका डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे। अभी आप देख सकते हो शाइनिंग इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम सेकेंड क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे एंड न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे। इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर फ्रैक्टल नॉइस टाइप करेंगे, फर्स्ट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। अब मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करूँगा एंड ब्राइटनेस को डिक्रीज, जूम आउट करेंगे। बट अभी आप ये देख सकते हो कि ये स्टिल है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट एंड करने के लिए इवैल्यूएशन के स्टॉप वॉच आइकन पर ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा एक एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगा। एंड इस पर क्लिक करेंगे एंड टाइप करेंगे टाइम इनटू 1000। बट ये बहुत ही स्पीड में मूव कर रहा है, स्लो करने के लिए 1000 की जगह पर हम 600 टाइप करेंगे। अभी आप देख सकते हो। अब हम सेकेंड लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लूमा मैट सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हो, बट देयर इज वन थिंग कि इसका शाइनिंग थोड़ा सा कम है। तो इसे इंक्रीज करने के लिए सेकेंड लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि हमारा थोड़ा और शाइनिंग इफेक्ट आ चुका है।